मेरी, आपकी और इस दुनिया में जितने लोग जी रहे हैं उन सब की लाइफ लिमिटेड है। एक ना एक दिन हम सबको मर जाना है, और ऐसे में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है जिनको हम समय ना होने के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी उम्र बीत जाती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते और हम उन्हें देखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा करते हैं। हमारी अर्थ का फॉर्मेशन एक बहुत ही बड़ा स्पेक्टेकुलर मूवमेंट था जो देखने लायक बनता था, पर अफसोस उसको देखने के लिए वहाँ पर कोई था नहीं। और ऐसे ही हमारे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर इवेंट्स होने वाले हैं जिन्हें हम देखना और महसूस ज़रूर करना चाहेंगे, पर अफसोस हम उन मूवमेंट्स इवेंट्स को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। वो इवेंट्स बहुत ही खास होंगे, बहुत ही स्पेक्टेकुलर होंगे। वो ऐसे इवेंट्स होंगे जिनको आप आज तक सिर्फ फिल्मों में देखते हैं या फिर आप सिर्फ अपने सपनों में उन्हें इमेजिन किया होगा। जैसे हमारी धरती पे दिन रात दोनों बराबर हो जाना, मतलब हमारी धरती पे रात ही ना हो, हमारी धरती पे दूसरे सन का आ जाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी फ्यूचर में जो हम देखना ज़रूर चाहेंगे, पर अफसोस हम उन्हें देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो थोड़े से दुख के साथ और थोड़ी सी खुशी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से इवेंट्स हमारे फ्यूचर में होंगे जिन्हें देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। नंबर वन पे आता है जियट पिरामिड, जो जर्मनी में है। इस पिरामिड की शुरुआत 1993 में हुई थी और ये एक टाइम पिरामिड है, मतलब ये समय के साथ कंप्लीट होगा। इस पिरामिड में हर एक 10 साल में एक ब्लॉक लगता है और आज तक इस पिरामिड में सिर्फ 3 ब्लॉक लगे हैं। इस पिरामिड को कंप्लीट करेंगे हमारी 30वीं जनरेशन, और ये जो पिरामिड है वो कंप्लीट होगा सन 3183 में। और ये एक टाइम पिरामिड देखने में बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर होगा और बहुत सारे लोग इसे देखना पसंद करेंगे, पर अफसोस हम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। और इसी के साथ नंबर 2 पे आता है एक ऐसी जगह जहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो गया था जिसके कारण उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन फैल गया था और आज तक वहाँ कोई रह नहीं सकता और आने वाले कई हजारों सालों तक भी वहाँ कोई रह नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा रेडिएशन फैल चुका है। नंबर 2 पे है चेर्नोबिल एक्सप्लोजिव जोन, जहां पे 1986 में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया था जिसके कारण उस जगह में 30 किलोमीटर के रेडियस में एक तरीके से जानलेवा रेडिएशन फैल चुका है, मतलब वहां पे कोई रह नहीं सकता है। वहां पे जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को अपनी सारी चीजें छोड़ के वहां से निकलना पड़ा और वो जगह आज तक रहने लायक नहीं है और आगे आने वाले कई हजारों सालों तक भी उस जगह पे कोई नहीं रह पाएगा और शायद साल 22,000 में वो जगह रहने लायक बन सके और वहाँ पे लोग फिर से बस सकें। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा इवेंट जो एक स्काई शो की तरह होगा, मतलब उस इवेंट में रात को भी दिन हो जाएंगे और दूसरा सूरज भी हमें देखने को मिलेगा और वो जो इवेंट होगा वो देखने लायक बनेगा। जब हम रात को अपने आसमान में देखते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा तारों को देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि दूध की छोटे छोटे बूंद हमारे आसमान में दिख रहे हैं और हमें लाखों करोड़ों तारे दिखते हैं और वो सारे तारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसमें करोड़ों तारे हैं, लेकिन एक और गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। वो स्पीड बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है, मतलब वो 333 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी धरती की ओर बढ़ रही है। जो दूसरी गैलेक्सी जो हमारी अर्थ के पास आ रही है वो गैलेक्सी अभी हमसे 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, मतलब लाइट को भी वहां पहुंचने में 25 करोड़ साल लग जाएंगे। उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और वो गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से आके टकराने वाली है। ये जो फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आज के टाइम में हमें देखने को मिलती है, लेकिन 200 करोड़ साल बाद हमें कुछ ऐसी फोटो देखने को मिलेगी। ये भले आपको एक वॉलपेपर की तरह लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर मूवमेंट होगा, इवेंट होगा जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। 375 करोड़ साल बाद ये चीज हमें कुछ ऐसे तरीके से देखने को मिलेगी और 400 करोड़ साल बाद हमारे आसमान में स्काई शो होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, चारों ओर रंगीन चीजें देखने को मिलेगी, चारों ओर नए नए तारे देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा नई नई चीजें देखने को मिलेगी इंसानों को। लेकिन ये जो चीज होगी ये करोड़ों सालों में होगी, मतलब अगर एक इंसान 100 साल भी आसमान में देखता रहे फिर भी उसको कोई फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि इन सारी चीजों को होने में करोड़ों साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैलेक्सीज इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि ये सब होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब ये दोनों गैलेक्सी मिलेंगी तो वो कैसे मिलेंगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक सेकेंड, मतलब एक करोड़ या फिर उससे ज्यादा का टाइम आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होगी उन पीढ़ी को ऐसी बहुत सारी चीज़ें
देखने को मिलेगी जो हम नहीं देख पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा लकी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे, बहुत सारी नई चीज़ों का इन्वेंशन वो लोग मिस करेंगे, जैसे आज हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग लाइट का इन्वेंशन मिस करते हैं, सोचिए जब लाइट का इन्वेंशन हुआ होगा तब के लोगों को कैसा लगा होगा, जैसे हम उस चीज़ को मिस करते हैं। वैसे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिस करेगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए, इससे कुछ नया जानने को मिला और नया देखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो साइंस वीडियोस देखते हैं। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।